टीचर कम फ्रेंड्स ज्यादा। देखो आजकल के बच्चों को देखा जा रहा, मतलब टीचर को टीचर ही नहीं समझ रहे हैं। मूवी है ना, मैंने क्या कहा था इसी, मतलब इतना प्यार करती थी। सैकी वाले मेरे साथ वो किया ना जो मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी, कैसे लेके जानी पड़ रही है, मतलब बहुत दिन दिखा दिया जो आज तक कभी मैंने इमेजिन नहीं किया था। और अभी मैं अकेडमी आई हूँ, सुबह उठते लेट उठे थे, बहुत ज्यादा थकान हो रही थी क्योंकि कहीं भी आप ट्रिप मार के आओ, ट्रिप करके आओ, अच्छे से घूम फिर के आओ तो थकावट तो हो ही जाती है। रात को आते ही सो गए थे, उसके बाद सुबह भी लेट उठी हूँ, एक ब्लॉग एडिट करा, अब आज से लाइन अप करेंगे, सारे ब्लॉग एडिट करेंगे, डेली अपलोड करने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल ट्यूशन आ गई हूँ, बच्चों को पढ़ा लेते हैं, शाम को थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन होगा, जो भी होगा देख लेंगे बाकी। हाँ जी, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू, ये मेरा फर्स्ट गिफ्ट, थैंक यू सो मच। ये है आयशा, ये हेलो, बिल्कुल पता क्या मैं आपको बताऊँ, ये मेरे लिए टीचर कम फ्रेंड्स ज्यादा। देखो आजकल के बच्चों को देखा जा रहा है, मतलब टीचर को टीचर ही नहीं समझ रहे हैं, फिर फ्रेंडशिप पेपर देना चाहिए ना टीचर को। ये ऐसे चलता रहता है अपना तो। एनीवे आज का लास्ट एग्जाम है ना, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, अच्छे अच्छे एग्जाम करके आइए, नाम लटवा दियो हमारा, करके आइए। 5 मिनट रह गए एग्जाम में, चलिए टाइम से गए, लेट हो जाए बाद में गए आपके ब्लॉक होगी। तो एक्चुअली सर ने लंच वगैरह के लिए वहीं पे ही, मतलब अकेडमी में पार्टी थ्रो करनी है, तो लंच वगैरह सर ने मंगवा लिया था। मैंने कहा चलो मैं अपनी तरफ से कुछ मीठा ले जाती हूँ, तो मैं यहाँ पे बेकरी थी साथ में, मैंने कहा पेस्ट्रीज वगैरह ले जाते हैं टीचर्स के लिए। तो बच्चों के साथ कुछ खास प्लान नहीं करा था, कुछ प्लान पर आजकल का बच्चा थोड़े सेट पर चढ़ा है ना, तो हमने अपने प्लान चेंज कर लिया। अभी हम टीचर्स वगैरह यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर टीचर टीचर्स अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम किड्स वाला, तो अभी हम खुद ही सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके लिए, तो लेते हैं कुछ मीठा। उसको चलते बहुत सारे बाइकर्स खड़े हैं एकेडमी के बाहर, किस लिए खड़े हैं ये समझ से नहीं आ रही है, अभी किस लिए खड़े पता लग रहा है कुछ, इन्होंने एक फ्लैग ले रखा है उस पर लिखा है भीम, पता नहीं किस चीज के लिए। रोड क्रॉस करके चला गया, मुझे रोड नहीं आती क्रॉस करने, पता नहीं क्या चल रहा है। चलो भाई चले, पार्टी की तैयारी हो रही है हमारी यहाँ पे पूरी। चलो ये ना गीता गोपाल वालों की साइड से कुछ हो रहा है, क्या है एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, बट इतना पता उनकी तरफ से। Later that same evening. अभी टॉय शॉप से कुछ एक टॉयज खरीदे हैं, क्यों खरीदे हैं वो अभी घर चल के बताती हूँ, फटाफट घर चलते हैं। तो अभी शाम के 6:00 बज गए हैं, 6:12 हो गए एक्चुअली, और मैं आज अकेडमी से थोड़ा जल्दी आ गई थी, क्यों, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ मम्मी को लेकर अपनी फ्रेंड के घर, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है उसकी बेबी हुई है, उसके बाद वो फर्स्ट टाइम अपने मायके आई है अभी, तो उससे मिलने जा रहे हैं, उसके लिए टॉयज वगैरह भी खरीद के लाई हूँ जो कि ये है। चलती हूँ उसके घर लेके आपको भी, और दिखाती हूँ हमारी मोमोज जैसी गुड़िया का फोटोज, और चैट में तो बहुत बातें हो गई है ना, फोन पर बहुत बातें हो गई, अब चल के मिलते हैं उससे। पहुँच गया मेरी फ्रेंड के घर पर, उसने मेरे हॉर्न की आवाज़ से ही पहचान लिया, एज यूजल मैं हॉर्न नहीं मारती हूँ यहाँ के, और मम्मी भी साथ आए हैं, समझ अब भी गिर गई थी, चाबी चुबी उठा लो, वो शाइना आ रही है ना वो खोलेगी। हेलो मम्मा, आज भी मुझे ये गेट इतना हैवी लगता है खोलते हुए, देख ले। कांग्रेचुलेशंस मम्मा, थैंक यू। ये मेरी फ्रेंड जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। नमस्ते आंटी, कैसे हो? नानी मासी आई है, मासी आए, स्माइल कर रहा है मेरा बच्चा। हाँ हाँ, फेवरेट मासी ना है ना बेबी, है ना बेबी, मूवी है ना, मैंने क्या कहा था इसी, मतलब इतना प्यार करती थी। इसी को ना एक रकुन डॉग था हमारे बीच में, वो पसंद नहीं था, मैं व्लॉग में रिवील नहीं करना चाहती उसके बारे में। नोना ये लो यार, ये ना टॉय कौन देख रही है ना, पूरा फोकस कैमरा में दे रही है, ये कह रही मैं ब्लॉगर बनूंगी बड़ी होके, है ना ना। मूवी 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 शोना, हाँ हाँ ना, है ना जबरदस्ती तू लड़की को मना कर,
ऐसे मम्मी का इसका स्कर्ट टॉप बड़ा पसंद आया। भूभी नानी को दे दे स्कर्ट टॉप, नानी को स्कर्ट टॉप दे दे। नानी को वैसे भी शॉर्ट शॉर्ट कपड़े बहुत पसंद है, नानी पालिया करेगी है भूभी। अच्छा लगता है मुझे ये जब बच्चे ना फिंगर पकड़ लेते, देखो कितनी टाइटली इसने मेरी फिंगर होल्ड कर ला, छोड़ दी। अच्छा फिर पकड़ ली, फिर छोड़ दी क्या? अच्छा बेटा हमसे चलाकी बेटे। हाँ ये छोड़ ही दी, क्या कर रही है भूभी। ठीक है मम्मा हम चलते हैं, अब अपना और भूभी का ध्यान रखना। भूभी तो सो गई है खेलते खेलते मेरे साथ, ऐसी हंसी देने का कोई मतलब था। ये फेक नहीं करना है, मेरे व्लॉग में रियल रहना है। वैसे ये हंसी किस बात के लिए आई है क्या मैं जान सकती हूँ? मम्मा ऐसे नहीं आनी चाहिए हंसी, आपको बताना पड़ेगा। नहीं ये तो इतना डिसेंट क्यों बन रही है मेरे व्लॉग में? जो तुझे पहले से जानते हैं उनको मैं, वो तेरी सच्चाई जानते हैं, और जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं ये मेरी कॉलेज फ्रेंड है ना, और वी आर मोर देन फ्रेंड्स है ना। शी इज माय सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर। यार इंग्लिश तो तेरी ज्यादा अच्छी है। बस कभी कर भी ले मेरा क्या लेना, मनु क्या लेना, और सुना बढ़िया। थोड़े दिन पहले तेरे को तुषार सर पूछ रहे थे। अच्छा ब्लॉग देखते हैं सर मेरे, हाँ मुझे पूछ रहे थे, मैंने उनको बताया टीचर्स डे वाले दिन बात हुई थी, मैंने बताया शाना को बेटी हुई है। सर तो खुश हो गए, कह रहे यार तू और मैं ही रह गई हमारे। बता क्या करे हो, मैंने कहा कोई ना सर होता रहता है, छोटी छोटी बातें होती है। चल तू अपना ध्यान रख, भूभी का भी ध्यान रखियो। तूने कोई पंच लाइन नहीं मारी वैसे मेरे जैसे, तू आंख उठा के बोलने का कोई मतलब, सामने स्टूडेंट बैठा कोई। मैं कैमरा नहीं हटाऊंगी जब तक आएगी नहीं। जब मैं नेचुरल होऊंगी मेरी तभी आएगी। मैंने जब आऊंगी ना 3-4 दिन बाद रहने के लिए, मैं कैमरा ही नहीं बंद करूंगी पूरी रात, छह स्पेस भर जाए। ठीक है चल ठीक है, तू ध्यान रखना, चलती हूँ बाय। ओके आंटी बाय, ध्यान रखना अपना। देख देख आ जाएगा शाम को छोड़ दी, अब तो आगे अब तो आएगी, आऊंगी आप भी आना। अब तो कहने की जरूरत ही नहीं है आंटी, मैं आऊंगी ना पर आप भी आना घर। ठीक है ऐसे करेंगे ना, आंटी को तो छोड़ दिया करेंगे, मैं इधर आ जाऊंगी। ठीक है आंटी चलो ध्यान रखना, चलो मम्मी बाय। काके निन्नू कर रहा है काका। आज तो इस एक्टिवा ने जो करके दिखाया ना वो मैं कभी इमेजिन ही नहीं कर सकती थी, मतलब मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने जस्ट चाबी लगाई, अभी सेल्फ ही नहीं आ रही, सिर्फ ऑन करा है मैंने, ऑन करते ये तो आगे उधर जाके बजी है, हुआ क्या मुझे समझ ही नहीं आया। अब मैंने किसी को बुलाया ताकि इसको मैकेनिक के पास लेके जा सके और दिखा सके, पता नहीं क्या हो गया मेरी एक्टिवा को। और इसको देखो, हाँ फुदकू, इतना फुदकता है इसका नाम ही फुदकू रख दिया। देखो फुदकू, हाँ फुदकू फुदक, वो देखो एक्टिवा ने मेरे साथ वो किया ना जो मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी, कैसे लेके जानी पड़ रही है, मतलब बहुत दिन दिखा दिया जो आज तक कभी मैंने इमेजिन नहीं किया था। चाबी ऑन करने पे आगे चली गई एक्टिवा, तो अब मैकेनिक के पास लेके जा रहे हैं इसको, कैसे भी दूर आए हैं हाईवे पे अभी। मेरे लिए वहाँ पर मेरी एक्टिवा काम हो रहा है, देखते हैं कितनी देर लगती है। ठीक है 20 मिनट तो यहाँ पे आने में लग गया, और बाहर अंधेरा भी हो रहा है, शॉप बंद होने का टाइम भी है। बस अच्छा काम करके दे भैया, वैसे तो जो जिन्होंने इस शॉप का मुझे सजेस्ट किया उन्होंने बोला है कि सैलरी बॉक्स काम होगा इसीलिए मैं यहाँ लेकर आया, वरना घर के आस पास मैकेनिक थे, बट बस अभी कराने पर जाते हैं, आगे देखते कितना का खर्चा बैठता है। आज तो ठीक करवा कर आ गई थी घर, अभी जा रही हूँ जिम। जिम जाने से पहले फर्स्टली आई एम गोइंग टू टेक द ग्लव्स, जो जिम वाले ग्लव्स होते हैं ना, जो स्ट्रेंथ वाले बैंड बोलते हैं क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि ना क्या हो रहा है ना जो ये वाली चीज़ होती है ना, ये वाली साइड होती है ना हार्ड होने लगी है ऐसे, मतलब लाइक कैसे तो छाला था नहीं पड़ने लग जाता वैसे होने लग गया। तो मैंने सोचा कि पहले ग्लव्स वगैरह कुछ ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे हाथों की हालत खराब हो रही है, लड़कों के हाथ नहीं होते वैसे लगने लग गए हैं, तो फटाफट निकलते हैं। बाकी एक्टिवा ठीक करवा ली थी, एक्टिवा की जो ब्रेक वाली रेस वाली वायर थी वो टूट गई थी, एक बार नहीं 6 जगह से टूटी हुई थी, वो पूरी चेंज हुई, और भी अंदर काफ़ी कुछ चेंज हुआ, सब खराब हुआ पड़ा था जो कि अब ठीक है। अभी भी प्रॉपर इसकी सर्विस वगैरह करवानी है, वो 1-2 दिन तक कराएंगे, बाकी सारी सेट हो गई है। तो भाई जिम आ गए हैं, 7:30 हो गए हैं, वर्कआउट कर लेते हैं आज, जैसे भी लेग्स लगानी है तो काफ़ी दिन हो गए मैं रेगुलर आ रही हूँ जिम। कल नहीं आई थी सिर्फ बारिश होने की वजह से, और वहाँ गई थी फ्रेंड के घर पर, आपने देखा ही होगा इसी व्लॉग में मैंने कंटिन्यू किया था। फटाफट जा रहे हूँ, तो बस जा रही हूँ, मतलब वहाँ पर अकेली आती हूँ, मेरे साथ कोई नहीं आता ना, आ रहा हूँ ना शिवम ना अमन, हम अकेले ही हम होंगे काम में। तो फर्स्टली आई हैव स्टार्टेड विद द कार्डियो सेक्शन, अभी तो ट्रेडमिल फिर साइकिलिंग, बाकी जिम में ज़्यादा क्राउड होता नहीं है इसलिए मुझे यहाँ पे आने में मज़ा आता है।
इट्स टाइम फॉर द लेग एक्सटेंशन एंड कर्ल्स। और इस टाइम मेरी टांगों की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है भाई साहब। वर्कआउट और अब आ गए हम यहाँ पे आइसक्रीम खाने के लिए सबूजा पे। बाकी काफ़ी दिन से प्लान कर रहे थे कि जिम के बाद चलेंगे, ये लोग छुट्टी पे होते थे जिनके साथ मैं वर्कआउट कर रही हूँ आजकल, तो आज ये लोग आए हैं तो मैंने कहा चलो आइसक्रीम खा लेते, देखते हैं कौन सी खाते हैं। बाकी यहाँ पे मार्केट की हालत देख सकते हो, रोड बंद है बट एक्टिवा वालों के लिए इस टाइम पे खुला है। पूरी रोड टूट रही है ना, दुकानों के जो खड़े वगैरह वो पूरे तोड़ दिए हैं। उधर वाली रोड पूरी ब्लॉक है इधर से भी, और यहाँ से भी देख सकते हो कितना कितना टूटा है। तो ये अंश है जो कि मेरे साथ जिम जाता है, आज इसकी हल्का थोड़ा ख़राब हुआ है पर फिर भी मैंने इसको ले लिया ब्लॉग में। बाकी ये तू कौन सी खाएगा, ब्लैक करंट? नहीं मैं तो पिस्ता ही खाऊंगी, मेरे लिए पिस्ता ले भाई। ये ले इंटरचेंज कर, ऐसे नहीं करना भाई। चेयर्स पहले इंटरचेंज कर। हाँ अपन तो यही खाएंगे। क्या यार कहाँ खड़े होके खा रहे, देखिए ऐसा लग रहा है कबाड़ में खड़े होके खा रहे हम लोग यहाँ पे। कचरा हो गया। चल ठीक है अंश, बाय। ठीक है भाई, कल मिलते हैं। आइसक्रीम ट्रीट के लिए थैंक यू, बाय।